गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने पेरेंट्स के साथ, बच्चों, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बेटा, आपका ड्राइंग क्लास में स्वागत है। बच्चों, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस गर्मी को हम दूर करने के लिए आज फैन बनाने के लिए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे आपको पेज नंबर 16 पे दिखाया गया है। बच्चों, जो इन्होंने दिखाया है और जो मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। आप इस पे ज़्यादा ध्यान ना देना, जो आपको मैम करा रही हैं आप उधर अपना पूरा ध्यान कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है? अब देखिए बेटा, क्या करेंगे, आपके पास कोई भी कलर की ओरिगेमी शीट हो कोई बात नहीं, आप उसी से काम कर लीजिए। अगर जिन बच्चों के पास ओरिगेमी शीट नहीं है, तो उन बच्चों को भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक वाइट शीट लीजिए, उस पर कलर कर लीजिए कोई भी, और उससे अपना काम करेंगे, ठीक है? बस उसको आपने ये ध्यान रखना है कि वो चारों तरफ से उसकी जो लंबाई चौड़ाई है, लेंथ विड्थ जो उसकी है बेटा, वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है? स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब ही यही होता है कि जो इसकी फोर साइड्स होती हैं वह सब इक्वल होती हैं, ठीक है? तो चलो हम काम अपना स्टार्ट करें। देखिए बेटा, इसको सबसे पहले हमने इस तरीके से टू पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है? अब देखो, आपके पास एक सेंटर में यहाँ पे एक लाइन आ गई है। अब आपने क्या करना है बच्चों, यह देखो, आपको उन्होंने आधा पिंक दिखाया है, आधा वाइट दिखाया है। तो आपने क्या करना है, जहां तक आपके ये सेंटर लाइन है, सेंटर पॉइंट है, वहां से आपने इसको शीट को इस तरीके से, ठीक है, फोल्ड किया, ठीक ऐसे कर दिया। अब आप क्या करेंगे बच्चों, आपने इसको क्या करना है, या तो देखो, अगर हम इसको आप इस तरीके से ले लीजिए, ठीक है? तो आपने बच्चों देखो, बिल्कुल आसान तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से देख रहे हो बेटा, देखो ये है ना, ऐसे फोल्ड किया आपने, ठीक, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया, जैसे आप अपने खेल के अंदर इस तरीके से पंखा बनाते हो ना, बस ये भी वैसे ही है, ठीक। इस तरीके से आपने इसको बच्चों फोल्ड करते चले जाना है, ठीक है, इस तरीके से देख रहे हो ये, इस तरीके। अगर जिनको नहीं समझ आया फिर से देख लो, ये आपके पास एक शीट थी, ठीक है, आपने इसको टू पार्ट में डिवाइड करा, ठीक। फिर आपने क्या करना है, सेंटर में एक आपके पास लाइन आ गई, उस लाइन तक आप ने ऊपर से अपने पेपर को, कलर्ड पेपर को अपनी साइड मोड़ा, ठीक है? मोड़ के आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करते चले जाएंगे, एक के ऊपर एक, इस तरीके से, ठीक है बेटा, इस तरीके से देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये ऐसे, ठीक। और आपने क्या करना है, या तो देखो इस पे धागा आप बांध सकते हैं, नहीं तो आपने क्या करना है, फेविकोल रखना है अपने पास में, और इस तरीके से एक एक ड्रॉप इसकी जिग जैक में आपने फेविकोल से लगा देनी है बेटा, ठीक। ये लगा दिया हमने, और इसको इस तरीके से, ये देखो, ये जो इन्होंने आपको इसको एक जगह बांध के दिखाया है, उसी तरीके से आप भी इसको इस तरीके से बेटा ऐसे रख देंगे, ठीक है? समझ आ गई बच्चों, इस तरीके से रखना है। लेकिन अभी आपको इसको चिपकाना नहीं है, क्योंकि अभी हमने आगे का काम करना है ना, आगे का काम करेंगे, तो अभी आप इसको पेस्ट नहीं करेंगे बेटा, अभी थोड़ी देर के बाद करेंगे आप इसको पेस्ट। मैंने आपको इसको करके दिखा दिया, ठीक है? ये स्टार का काम हम आगे करेंगे,
आज हम करने जा रहे हैं बेटा पेज नंबर 20 पर। आपको लेपर्ड दे रखा है जिसको हम तेंदुआ भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले बच्चों इसके अंदर आपको येलो कलर करना है, ठीक है। थोड़ा सा लाइट शेड ले लीजिए, ये शेड लीजिए, ठीक है। देखो हमारे पास लाइट डार्क कई शेड हैं येलो के, ये सबसे लाइट, थोड़ा डार्क, फिर सबसे डार्क। तो आपने थोड़ा सा बच्चों लाइट लेना है। पहले इसमें सबसे पहले आप फ्री हैंड से पूरे में येलो कलर कर देना, ठीक है। बहुत ही आसान और मज़ेदार काम है। बहुत ही जल्दी हमारा ये काम हो जाएगा बेटा। ये देखो इस तरीके से आपने सबसे पहले इसमें येलो कलर का बेस तैयार कर देना है बेटा। बेटा जो काम आपको जब कराया जा रहा है, चाहे वो बुक का काम हो चाहे वो कॉपी का काम हो, आप उसको समय से अपनी बुक कॉपी में कंप्लीट करके रखेंगे, क्योंकि हम आपसे कभी भी आपकी बुक कॉपी चेकिंग के लिए ले सकते हैं, ठीक है बेटा। उस समय फिर कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि मेरा काम किया हुआ नहीं है, ठीक है। और जो जितनी एक्टिविटी हम आपको एक वीडियो में कराते हैं, आपने वो सभी एक्टिविटी बेटा एक साथ सेंड करनी है। ये नहीं कि एक अभी कर रहे हैं, एक आप अगली क्लास में करेंगे, नहीं, एक साथ आपने सेंड करनी है, ठीक है बेटा। देखो बच्चों हमने यहाँ पे एक अपना बेस तैयार कर लिया है येलो कलर का, ठीक है, देख रहे हैं आप इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे बच्चे, आपने ऑरेंज शेड लेना है, ऑरेंज शेड भी हमने लाइट में लेना है, बहुत डार्क नहीं लेना है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, ये देखो साइड साइड, ठीक है, साइड साइड आपने इनकी ऑरेंज कलर की शेड देनी है इस तरीके से। देख रहे हैं बच्चे, अगर इसमें आप थोड़ा सा ऑयल पेस्टल यूज करेंगे तो आपके जो कलर्स हैं वो थोड़ा सा आपसे अच्छे से होकर आएंगे, ठीक है ना। इतनी क्रियोन्स के अंदर ऐसी जो शेडिंग होती है वो नहीं आ पाती है, बट यदि आप ऑयल पेस्टल यूज करेंगे तो आप इस तरीके से शेडिंग अपनी दिखा सकते हैं।
क्रियोन से भी हो जाता है बट इतना अच्छा मिक्स एंड मैच नहीं होता। जो बेटा इनके कान हैं उसके अंदर हल्का सा आप पिंक शेड दे देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पे आपने थोड़ा सा जो इनकी नोजी है उसमें ब्राउन शेड दिखा देंगे, ठीक है बेटा, ये इस तरीके से। तो देखिए बेटा आपका ये वाला काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि आज बहुत छोटी छोटी एक्टिविटी थी, तो इसके अंदर हम आपको एक ये पेंसिल शेडिंग वर्क भी करा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम काम है, तो इसमें आपने अपनी शेडिंग के लिए पेंसिल ले लेनी है, ठीक है। और इसी से पेंसिल की सहायता से आपने इसमें अपने स्ट्रोक्स दिखाने हैं किस तरीके से, ये देखिए, बस देख लीजिए मैम कैसे कर रहे हैं। आपने भी उसी तरीके से बच्चों हाथ चलाना है, देखो बहुत ज़्यादा ऐसे लिटा के नहीं रखना, बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं रखोगे, ठीक है। इस तरीके से ये जो आपकी ये चीज़ है, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे अपनी शीट पे रखनी है, अपनी बुक के ऊपर रखनी है, और फिर देखिए इससे क्या होगा, आपकी जो लाइंस हैं वो एक जगह तक जाएंगी अगर आप इस चीज़ को यहाँ दबा के रखेंगे। अगर ऐसे करेंगे तो ये लाइनें कहीं पर भी जाएंगी, आपने बस यहीं पर इसको दबा के रखना है बेटा, ठीक है। जब आप दूसरी लेंगे फिर आपने दूसरी जगह उसको दबा के रखना है आपको, ये जो आपकी पाम की जो नीचे की साइड है ना बेटा, इसको दबाना है इस तरीके से, और कोशिश करनी है एक लाइन के साथ दूसरी लाइन हमने दूसरा स्ट्रोक लेना है, ठीक। इसी तरीके से आप ऊपर भी इसी तरीके से आपको नीचे भी ये मैं बुक आपको थोड़ा थोड़ा घुमा के इसलिए दिखा रही हूँ कि अभी आप छोटे हैं, मैं तो एक ही जगह रख के कर सकती हूँ, बट आप अभी छोटे हैं, आप नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको इसको बुक को अलग अलग डायरेक्शन में करके दिखाया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मूव करके फिर करके दिखाया। अब ये देखिए यहाँ पर आपने छोटे छोटे डॉट्स लगा देने हैं बेटा, ठीक है बच्चों, इस तरीके। अब आपने इसी तरीके से अपनी लीव्स भी कंप्लीट करनी है, ये देखिए, ठीक है, तो देखा बच्चों आपकी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, इसको बना के एक साथ आपने अपने ग्रुप में सेंड करना है नाम और क्लास के साथ। और बच्चों पिछला काम देखो, करीब करीब सभी बच्चों का चेक है, यदि कोई एक दो बच्चे रह गए हो बस वही अपना काम ग्रुप में सेंड करें,
चेक करने के लिए, लेकिन सभी बच्चे चेक किया हुआ काम दोबारा चेक करने के लिए ना भेजें, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे चेक किया हुआ काम ग्रुप में सेंड कर रहे हैं अभी भी। चलिए अब आप इसको बनाएं और इंजॉय कीजिए। थैंक यू।